नमस्कार दोस्तों, आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम मनीष देव कश्यप। आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस एज अ लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट्स। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी मैंने साइंस के गहन विषयों को सरल रूप में प्रस्तुतिकरण के लिए बनाया हुआ है। इस चैनल पर आपको साइंस और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिद्धांत और विस्तृत अध्ययन में मदद मिलेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 11 के बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मैटर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम व्हाट इज मैटर, वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में जानेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू आर एबल टू नो व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर मैटर को हिंदी में पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अभी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जैसे टीवी, कूलर, एसी, बाइक, फ्रिज, कार, जो हम दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करते हैं, वे सभी को पदार्थ या मैटर कहते हैं। अभी हमको मालूम तो चल गया इन सबको पदार्थ और मैटर कहते हैं, बट इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है? हाउ वी विल डिफाइन इट? सो लेट्स डिफाइन अ मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। सो मैटर को मास और वॉल्यूम से डिफाइन किया गया है, अर्थात वे सभी वे ऑब्जेक्ट जिसमें मास और वॉल्यूम को आपको मैटर कहलाता है। मास एंड वॉल्यूम, मास का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान है और वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे आयतन से है, मतलब जो चीज स्थान घेरती है। सपोज ये मेरा पेन है, जब मैं पेन को उठाता हूँ तो मुझे मास या भार महसूस होता है ड्यू टू इसका वजन या मास की वजह से। और लेकिन और इसको जब मैं अपने जेब या पैकेट में रहता हूँ, ये जगह घेरती है, इट मीन्स यह एक पदार्थ है। वैसे ही जो भी वस्तुएं अपने आसपास में हैं जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों हो, वो सभी मैटर्स कहलाते हैं। अ मैटर इज सेड टू बी कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच इज बेसिकली फॉर्म एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनमें मास और वॉल्यूम दोनों होता है, जिन्हें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के प्रकार, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में जिक्र करेंगे। कितने प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, कितने अवस्था में पाए जाते हैं? फिजिकल स्टेट देखेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट। तो ये चार अवस्था में पाए जाते हैं। पहले इन अवस्थाओं को जानने के पहले हम लोग देखेंगे एक मैटर बनता कैसे है। सपोज मैंने एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन गैस का। अभी ऑक्सीजन गैस बनता कैसे है? ऑक्सीजन का एटम्स जब एटॉमिक फोर्स द्वारा आपस में पास पास आते हैं, तो दोनों पास आकर अब O2 बनाते हैं और O2 के मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा एक दूसरे के पास रहते हैं और O2 पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा एक दूसरे के पास रहते हैं। वैसे ही जैसे आयरन है, कॉपर है, सभी के मॉलिक्यूल्स होता है, तो एक होता है यहाँ पे एटॉमिक फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स। दो एटम्स के बीच के फोर्स को एटॉमिक फोर्स कहते हैं और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस या स्पेस को हम लोग एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्स से डिफाइन करेंगे। अब लेट्स सी द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हो आयरन का। आयरन या सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या एटॉमिक और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास हो जाते हैं और एक रेगुलर सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे ये
मॉलिक्यूल देखिए, इसमें पास पास है और मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम है, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स द्वारा, एक रेगुलर शेप हो जाता है, इनका शेप और साइज दोनों फिक्स होते हैं, शेप एंड साइज दोनों इसमें रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड अवस्था में है। लिक्विड स्टेट में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपेरिजन में कम होते हैं, परंतु इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा आकर्षण होते हैं, अतः जब लिक्विड्स को किसी कंटेनर या पात्र में रखा जाता है तो उनका रूप ले लेते हैं। जैसे आप इसको लिक्विड्स को जब ग्लास में ग्लास की बॉटल में रख देते हैं तो ग्लास का रूप ले लेता है, लेकिन जब इसको व्हाइट कंटेनर में जाते हैं तो कंप्लीट रूप से फैल जाते हैं। तो इस प्रकार लिक्विड्स कंटेनर का शेप आसानी से लेते हैं, और लिक्विड के सरफेस जो होता है इसमें मॉलिक्यूल्स होता है, एक लेयर मॉलिक्यूल का एक लेयर दूसरे लेयर में इजली फिसल जाते हैं, इस कारण लिक्विड फैल जाता है, इट स्प्रेड। गैसेस अवस्था में देखिए, आप जब गैसेस अवस्था में आप देखिए, गैस के मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, और जिसके वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जहां जितना जगह मिलता है उसमें फैल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुबह शाम हमारे घरों में जब पूजा किया जाता है तो धूप बत्ती जलती है, या फिर जो कोई परफ्यूम लगाते हैं तो उसका सुगंध अन्य रूम में भी फैल जाता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होता है एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं और दूर जाते हुए पूरे अन्य कमरों में भी फैल जाते हैं। तो गैस के शेप और साइज दोनों ही नहीं होता। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेज। प्लाज्मा स्टेज में एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा स्टेज में गैसीय अवस्था में मैटर प्रेजेंट रहते हैं, वो उच्च ऊर्जा लेकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर होके इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में वो जनरेट करते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो मटेरियल मैटर्स के पास बचता है उसके न्यूक्लाई पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बचता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन्स होते हैं उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लाइटनिंग, लाइटनिंग जिसको हम लोग बिजली या गाज गिरना बोलते हैं, एक कहावत भी है हिंदी में गाज गिरना। उसमें क्या होता है, जब जो जब आकाश में वेपराइजेशन के फलस्वरूप वाटर के वेपर के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ का बैटर्स रहते हैं, जब ये हाई एनर्जी लेकर आपस में टकराते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, जो स्पार्क द्वारा या लाइटनिंग द्वारा आपको दिखाई देता है। और इनका देखिए एक चीज और बोला जाता है, गाज गिरना। गाज गिरना क्यों शब्द परिभाषित किया गया है, एक मुहावरा है, क्योंकि जब भी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग क्या होता है, अपने पास वाले ऑब्जेक्ट पर खुद को अर्थ करना चाहता है, क्योंकि हाईली एनर्जी एनर्जी स्टेज रहता है तो ज्यादा ये ग्राउंड होना चाहता है। ग्राउंड हुआ किससे, तो जो भी हाईली कंडक्टिव मटेरियल पास में रहता है उससे ग्राउंड हो जाता है। इसीलिए बोला गया है जब भी लाइटनिंग हो आपको पेड़ पौधों से दूरी बनाना है, पानी के करीब नहीं जाना है, सॉलिड सरफेस या घर पे ही रहना है। आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, देखिए सॉलिड में यहाँ पर एक एप्पल है जो सॉलिड है, इसके अलावा सॉल्ट आइस वुड फोन और ग्लास, ये सॉलिड का एग्जाम्पल है। आगे देखिए लिक्विड शेप्स कंफर्म टू कंटेनर, मतलब जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है उसका शेप ले लेता है, इसके वाटर मरकरी ब्लड सोडा और कॉफी। यहाँ पे मरकरी शब्द पे ध्यान दीजिए, मरकरी इज अ मेटल मेटल, परंतु ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, मेमोराइज कीजिए, मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैस, गैस में ना तो डिस्टिंक्ट साइज होता है ना शेप होता है, मतलब गैस जितने भी जगह मिलती है उसमें फैल जाता है, और इसका साइज भी नहीं होता, मतलब होता है आपको गैस को कंप्रेस्ड रूप में भी रखा जा सकता है और इसको इसको एक्सपेंड रूप में रखा जा सकता है। जैसे कंप्रेस्ड रूप में आप रखोगे, जैसे आपको डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स देखोगे, गैस को कंप्रेस्ड रूप में रखा जाता है। ओके, अब प्लाज्मा, प्लाज्मा में आप देखो लाइटनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिजली बोलते हैं,
अरोरा, व्हाट इज अरोरा? आप इवनिंग में देखते होंगे, या सनसाइन या सनसाइन या सनसेट के समय देखते होंगे, सन के आसपास की पोलर लाइट्स होते हैं जो चमकती हुई बहुत सुंदर दिखती है। फोटोग्राफर्स जनरली इनका फोटो लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सन से आने वाली ऊर्जा किरण जो हाई एनर्जेटिक होते हैं, जब एयर से टकराती है, वायु से टकराती है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये हायर स्टेज में लंबे समय तक नहीं रह पाता, तो ये वापस ग्राउंड स्टेज में आती है। लेकिन ग्राउंड स्टेज में आने पर जो ऊर्जा होती है उसको फोटॉन्स के रूप में रिप्लेट करती है। यही फोटॉन आपका ऑरोरा के रूप में चमकदार दिखता है, कलरफुल दिखता है। नियॉन साइंस इसको रंग बिरंगी लाइट कहते हैं। एलईडी लाइट्स के रूप में बहुत डेकोरेशन में काम आता है। सन या स्टार्स में भी प्लाज्मा फॉर्म में एनर्जी रहती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जो कंटिन्यू चालू रहता है, इसलिए सूर्य से ऊर्जा कंटिन्यू मिलते रहते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में। लेट्स अगेन सी व्हाट वी हैव स्टडी। सॉलिड अवस्था होता है, रिजिड होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड अवस्था नॉन रिजिड होता है, नो फिक्स शेप और बट फिक्स वॉल्यूम। मतलब होता है लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसका रूप ले लेता है, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। जब हम लोग पेट्रोल टंकी में जाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल जो कि लिक्विड है भरवाने के लिए बोला जाता है, तो 1 लीटर भरा जा सकता है, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस, गैस नो रिजिड होता है, रिजिड नहीं होता, नो फिक्स शेप और नो फिक्स वॉल्यूम, जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम दोनों नहीं होता। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेटल में। जब भी ऊर्जा देकर या ऊर्जा लेकर एक पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, दैट स्टेट्स ऑफ मेटल इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम्स को देखिए, डायग्राम में देखिए एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी मींस होता है एनर्जी, एंथैल्पी नया वर्ड है, आप यहाँ लिख नोट डाउन कर लिए एंथैल्पी। यहाँ एंथैल्पी का अभिप्राय एनर्जी से है, एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर या कोई भी सोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर एंथैल्पी या एनर्जी बढ़ती है। अभी देखिए क्या होता है जब सॉलिड को ऊर्जा दिया जाए या टेम्परेचर दिया जाए। सॉलिड को टेम्परेचर, सिंपल एग्जाम्पल लिखिए अपने आइस, आइस को टेम्परेचर देने पे क्या होगा? आइस पिघल जाएगा और क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड लिक्विड को अगेन टेम्परेचर देने पे क्या होगा? लिक्विड किसमें? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जस्ट उल्टा देखिए, जब लिक्विड्स को आप गैसेस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? एक कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर क्या फॉर्म होगा? गैस लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिक्विड को फिर ठंडा किया जाए तो ये आइस या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा के उपलब्धता के आधार पर ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सॉलिड स्टेट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ आइस, आइस याद रखिए सॉलिड स्टेट। व्हाट हैपन व्हेन आइस को हम लोग गर्म करते हैं या बाहर निकाल, हम देखे होंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम घरों पे जब भी हमें आइस की जरूरत होती है, हम लिक्विड्स को क्या करते हैं? लिक्विड्स को फ्रिज के सबसे कूलिंग वाले हिस्से में रख देते हैं, और कूलिंग वाले हिस्से में रखकर कुछ समय बाद जब देखते हैं तो लिक्विड सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कूलिंग हम उसको ठंडा कर रहे हैं, हम उसको एनर्जी उससे ले रहे हैं, एनर्जी दे नहीं रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं। तो ठंडा करने के बाद उसके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, उसके अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंध जाते हैं, तो आइस तो लिक्विड होता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वैसी आइस को जब हम रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो वे लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सामान्य टेम्परेचर में आता है तो इनका इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स आपका बढ़ जाता है एकदम, सॉरी इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है और ये लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इंटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड जस्ट सेम अपोजिट द टेम्परेचर एट द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे मेल्टिंग मतलब होता है हिंदी में पिघलना बोल सकते हो, फ्रीजिंग मतलब जमना। तो जनरली देखे होंगे जब जब ऊर्जा या टेम्परेचर दिया जाता है तो चीज़ पिघल जाती है, और जब उसको ठंडा किया जाता है या तो वे सारी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वेन वी गिव एनर्जी या बॉयल या गिव टेम्परेचर टू लिक्विड इट कन्वर्ट वेपर आर गैसेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट टू गैस। अब ये कैसे होता है? जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड में होता है इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है और वेपर फॉर्म करने लगते हैं। वेपर फॉर्म होता है तो वेपर आपका उड़ने लगता है, जितनी जगह में कन्वर्ट होता है वही जगह घेर लेते हैं। ये देखो गैसेस। और जब गैसेस को ठंडा किया जाता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं और पुनः लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। हम लोग देखे होंगे इन समर सीजन जब सन्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो नदी या तालाब में उपलब्ध वाटर या पानी बाष्पीकरण द्वारा वेपोराइजेशन द्वारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही गैस जब ठंडे मौसम या बरसात आती है, जब सूर्य की टेम्परेचर कम हो जाती है तो कंडेंस होकर लिक्विड में पुनः बरसात के रूप में गिरता है। ये हो गया साइकिल, हो गया साइकिल। आगे होता है आयनाइजेशन। जब कोई पदार्थ आयंस लिबरेट करते हैं या आयंस बनाते हैं तो यह प्रोसेस आयनाइजेशन कहते हैं। जैसे ये हो गया, हम लोग पहले ही पढ़े हैं हीलियम गैस होता है। हीलियम गैस HE एक इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये HE- बनाता है और HE+ बनाता है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में अब आयन आयन आयंस बनते हैं, इसलिए यह आयनाइजेशन कहते हैं। डीआयनाइजेशन एक सिंपल एग्जाम्पल है, जब ये आयंस होते हैं पुनः डीआयनाइज होकर पुनः मेटल्स बना देते हैं तो इसको डीआयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सोडियम। सोडियम को जब गर्म किया जाता है तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन द्वारा, क्लोरीन इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आपको Cl- बना देते हैं। यहाँ पे देखिए Na+ है और Cl- है, दोनों मिलकर NaCl बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़े मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इन लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस एट विच लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना जरूरी है। एक और स्टेज है, यहाँ पे है सबलिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैसेस विदाउट पासिंग लिक्विड फेज। कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड्स, नेप्थॉल बॉल, अमोनियम क्लोराइड्स, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासिफिक किया जाए? मैटर के बारे में हम पढ़े थे जिसमें मास और वॉल्यूम हो उनको मैटर कहते हैं। तो ये डिफिनेशन के आधार पर अपने चारों ओर के जो भी सबस्टेंस होते हैं जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों रहते हैं उनको मैटर कहते हैं। तो मैटर को दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्योर सबस्टेंस से और दूसरा है मॉस मिक्सचर। प्योर
प्योर सबिस्टेंस मतलब वे सबिस्टेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन इनवेरेंट होता है, एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। क्या? एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार के सबिस्टेंस को प्योर सबिस्टेंस कहते हैं, इसमें विभिन्नताएं नहीं होती। आगे पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस को दो वर्ग में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं और कंपाउंड्स को यौगिक बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में रिएक्ट करके कोई रिएक्ट करते हैं तो वे एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे आपको ले लो ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स जो ऑक्सीजन के दो एटम्स ओ और ओ का दो एटम्स मिलके ओ टू एलिमेंट्स बनाते हैं। आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का दो एटम्स मिलके नाइट्रोजन एलिमेंट्स बनाते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अभी कंपाउंड्स ले लो, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, सोडियम एक एलिमेंट्स है और क्लोरीन एक एलिमेंट्स है, दोनों आपस में केमिकल रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं। तो NaCl एक कंपाउंड है। हम लोग क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स आपस में केमिकल रिएक्शन द्वारा बनते हैं, अतः इनमें केमिकल बॉन्डिंग्स होते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस चाहे वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं आपस में फिजिकली मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर में किसी भी प्रकार का केमिकल कंपोजिशंस नहीं होता, केमिकल रिएक्शंस नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं चाहे वह एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, उसको देख कर जांच कर चख कर या महसूस करके बताया जा सकता है। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। वे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स या कंपोजिशंस यूनिफॉर्म होते हैं उसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपको सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो कॉमन सॉल्ट 100% वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसको होमोजीनस होते हैं मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब उसके कंपोनेंट जिसके अलग अलग कंपोनेंट को इजिली डिस्ट्रीब्यूट या विजुअली या चक या टेस्ट लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये जैसे आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे सलाद, सलाद के एक एक कंपोनेंट टोमेटो पोटैटो टोमेटो पोटैटो बीट्स या कोई भी एलिमेंट्स आप उसमें डाले हो, कोई भी पदार्थ डाले हो उसको देख के बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। आगे पढ़ जाते हैं, जैसे ये मेटल्स को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सबिस्टेंस और मिक्सचर। प्योर सबिस्टेंस वन काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिक्सचर में टू आर मोर देन एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट अटैच विद फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स। अभी देखिए, प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और सेकेंडली होता है आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स होते हैं एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। पीरियाडिक टेबल में जितने भी कंपोनेंट्स है, पीरियाडिक टेबल का 118 कंपोनेंट्स है, अभी वो सभी एलिमेंट्स है। अभी देखिए एलिमेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल है नाइट्रोजन्स का, नाइट्रोजन्स के दो एटम मिलकर एक एलिमेंट्स बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ये सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये देखिए कंपाउंड्स, इस कंपाउंड में देखिए बोरान का एक मॉलिक्यूल और फ्लोरीन के तीन मॉलिक्यूल के बोरान ट्राइफ्लोराइड्स बनाते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड्स BF3, BF3। वैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का एक मॉलिक्यूल, एक सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। मिक्सर, मिक्सचर हम लोग पढ़े थे जिसमें आपका कोई प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं चाहे या एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो फिजिकल
फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, जैसे सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर, शुगर को डिजॉल्व किया जाता है तो इसका एक कंपोनेंट आसानी से देखा नहीं जा सकता, तो इसको इस प्रकार के मिक्सचर को होमोजीनस कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस होते हैं, जिसके कंपोजिशंस को देखकर या चाक करके पता जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सलाद। आगे पढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक, उसका कलर, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार या उसके मानसिकता से पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मैटर्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से उसके बारे में उसको डिस्ट्रक्टिव किया जा सकते हैं। मतलब एक मैटर को दूसरे मैटर से अलग कैसे है, उसके प्रॉपर्टीज को देखकर बताया जा सकता है। जैसे आपको एक तरफ मैं पानी लेता हूँ, ओके, और दूसरी तरफ लेता हूँ लकड़ी। आप देखकर बता सकते हो पानी और लकड़ी दोनों पदार्थ है और दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग है, तो दोनों को देखते हुए बता सकते हो कि ये पानी है और ये लकड़ी है। तो उसी प्रकार तो पदार्थ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया है जिसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज भी दो टाइप के होते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज जिसको ऑब्जर्व और मेजर करने पर पदार्थ के फिजिकल या पदार्थ के केमिकल कंपोजिशंस पे कोई अंतर नहीं आता। पदार्थ का केमिकल कोई जिसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे आपको कलर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज आप मेजर करने पे पदार्थ में किसी प्रकार का केमिकल कंपोजिशंस नहीं होता। जैसे आप को कोयला को आप देख रहे हो, कोयला को कलर देखने पे कोयला का कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इवन कोयला का जब वेट लेते हो, 1 kg लेते हो, तो कोयला का केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आता। तो वैसा वैसे प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व और मेजर करने पे उसका केमिकल में कोई प्रकार का परिवर्तन ना आए, तो उस प्रकार के प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव। यहाँ पे देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ द मैटर, जो मैटर के वॉल्यूम और उसके अमाउंट्स या अमाउंट्स पे निर्भर नहीं करते। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपका, कोयला। हम लोग कोयला को देखते हैं, कोयला कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। आप 1 kg कोयला ले लो, 1 kg कोयला ले लो, उसका भी कलर ब्लैक रहेगा और 5 किलो कोयला का भी कलर ब्लैक रहेगा, उसका कोई कोई कलर्स में कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसका पदार्थ के अमाउंट्स और वॉल्यूम का कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार डेंसिटी, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी इंटेंसिव, क्योंकि ये 1 लीटर लिक्विड का भी डेंसिटी आपका सेम रहते हैं जितना 5 लीटर लिक्विड का रहता है। उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि 1 लीटर वाटर को बॉइलिंग करने में जितना टेम्परेचर लगता है उतना ही 5 लीटर को बॉइल करने पे टेम्परेचर लगेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वाटर चाहे 1 लीटर उबालो या 5 लीटर, वो 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, सब लिक्विड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है उससे से क्वांट वॉल्यूम और क्वांटिटी से। मतलब द प्रॉपर्टीज विच इज फ्री फ्रॉम द क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कलर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लाइक वॉल्यूम, वॉल्यूम इट्स
सेल्फ, अगर वॉल्यूम मापा जाएगा, 1 लीटर का वॉल्यूम 1 लीटर आएगा, 5 लीटर का वॉल्यूम 5 लीटर आएगा, अगेन मास, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हम लोग देखे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर या ऑब्जर्व करते समय कोई प्रकार केमिकल चेंजेस नहीं आता, जैसे लेंथ नापते समय कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, किसी कलर देखने में केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं पड़ता, डेंसिटी मास को देखने में केमिकल कंपोजिशन में अंतर नहीं पड़ता, जब रबर को खींचा जा सकता है, इलास्टिसिटी, ये रबर को जब चारों दोनों तरफ से खींचा जाता है तो फिजिकल बल के कारण ये फैल जाता है, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आता। जैसे आपको 12 के अंदर कोई गैस भर दिया किसी को प्रेशर में, तो प्रेशर में चाहे 1 लीटर गैस भरे चाहे 5 लीटर भरे, उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं पाता। वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी आप देखो, 5 लीटर आपका वाटर का जो जल का या वाटर का फार्मूला भी H2O रहता है, और 10 लीटर और का फार्मूला भी H2O रहता है, तो इसका वॉल्यूम में भी कोई अंतर नहीं आता। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज जिसको ऑब्जर्व या मेजर करने पर पदार्थ में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं, पदार्थ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर सिंपल रूप में देखेंगे तो हम ऑक्सीजन स्ट्रेस को परिभाषित कर सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना, एम सपोज कोई मेटर है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन का निकलना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये सिंपल डिफिनेशन है, आगे जाकर और इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी ये मान के चलो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे आपको मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO, यहाँ पे 2 है तो 2MgO, तो ये इस प्रकार के रिएक्शंस को कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग होता है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, केमिकल रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो केमिकल बॉन्डिंग है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, उसी प्रकार हीट ऑफ कंपोजिशन कंबुशन हो गया। जब मैग्नीशियम क्या होता है, आप किसी चीज को कोयला, कोयला को कोल को गर्म करते हो तो क्या निकलता है, H2O और CO2 निकलता है, तो इस प्रकार का हीट ऑफ कंपोजिशन होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टॉक्सिटी होता है। केमिकल का जो टॉक्सिक किसी भी पदार्थ का टॉक्सिटी उसका केमिकल कंपोजिशन पे निर्भर करते हैं, जैसे आप लोग साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड बहुत ज्यादा जहरीला है। फ्लेमेबिलिटी, लिक्विड का ज्वलनशीलता या फ्लेमेबिलिटी उसका कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H5, C3H7, ये सीरीज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका फ्लैश पॉइंट कम होते जाते हैं, आपका फ्लेमेबिलिटी कम होते जाता है, तो ये हाईली फ्लेमेबल है, ये कम है उसके कंपेयर, तो फ्लेमेबिलिटी भी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। कोरोजिविटी, कुछ केमिकल होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या सल्फर के बने अन्य कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली कोरोजिव होते हैं, जो स्किन न केवल स्किन बल्कि मेटल मेटल से क्रिएट करके उसको करोड कर देते हैं। रिएक्टिविटी, हम लोग एग्जाम्पल देखें, रिएक्टिविटी केमिकल कंपोजिशन पे निर्भर करते हैं, जैसे सोडियम होता है, सोडियम ऐसे मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डाइसोडियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो आज हमारा प्रिय स्टूडेंट, हमारा आज ये चैप्टर मैटर कंप्लीट हुआ, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। इस प्रकार हम लोग 5 या 6 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक 20-20 क्वेश्चंस के हम लोग एक एग्जाम सीरीज अरेंज करेंगे, और उस अरेंज में आप पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे यस लिखो, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा और आपको उस टेस्ट सीरीज पे पार्टिसिपेशन के बाद जो भी आंसर्स होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेरी नेक्स्ट डे हम लोग वीडियो डाल के उसका आंसर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और उसमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी मिलेगा कि उनका आंसर क्यों हो वैसा आंसर आया, उस विषय में भी जानकारी दी जाएगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज आपको हमारे चैनल
आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और इस प्रकार के जो लर्निंग या टेस्ट सीरीज होता है, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, जिससे आप अपने इंजीनियरिंग, मेडिकल या नेट एग्जामिनेशन इजली निकाल सकते हो। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।